अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की बैठक हुई जिसमें मंदिर निर्माण पर चर्चा हुई। मंदिर ट्रस्ट ने पीएमओ को भूमि पूजन की 2 तारीख भेजी। 3 या 5 अगस्त को पीएम मोदी अयोध्या में भूमि पूजन करेंगे। ट्रस्ट की बैठक में राम मंदिर की ऊंचाई 161 फीट रखने का फैसला किया गया। राम मंदिर के नक्शे में बदलाव करते हुए अब 3 की बजाय 5 गुंबद बनाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को ढेर कर दिया। देश में कोरोना के मामले बढ़कर 10,38,716 हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमरनाथ के दर्शन किए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर में पिछले 6 महीने में 129 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। राजस्थान में फोन टैपिंग मामले में बीजेपी ने कांग्रेस से जवाब मांगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल से मिलकर बहुमत होने का दावा किया। राजस्थान के सियासी संकट पर बीजेपी ने राहुल गांधी से 6 सवाल पूछे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी विधायक का बयान ट्वीट किया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एलओसी का दौरा किया। हरियाणा के अंबाला में गृहमंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी को राजनीति में बच्चा बताया। यूपी में कोरोना के 1,986 नए मामले सामने आने के बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 17,000 के पार पहुंच गई है। प्रोफेसर सीएस शेत्रादी के निधन पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया। सचिन पायलट समर्थक विधायकों को बेंगलुरु भेजे जाने की खबर है। नोएडा के सेक्टर 18 में मुठभेड़ में एक बदमाश जख्मी हो गया। दिल्ली के तिहाड़ जेल में देर रात एक कैदी ने आत्महत्या कर ली। दिल्ली के पास फरीदाबाद में एक आदमी ने फ्लाईओवर से लटककर खुदकुशी कर ली। यूजीसी के परीक्षा लेने के फैसले के खिलाफ छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी। गाजियाबाद में 2 होटल को कोरोना सेंटर बनाने के लिए कब्जे में लिया गया। कानपुर में विकास दुबे के केस में एसटीएफ को 75 करोड़ के लेन देन का पता चला। दिल्ली में आप विधायक आतिशी ने प्लाज्मा दान किया। कानपुर में विकास दुबे के एनकाउंटर के सीन को दोहराया गया। दिल्ली के शाहदरा में पाबंदी के बावजूद जिम खोलने पर पुलिस ने कार्रवाई की। दिल्ली के पटपटगंज में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त की जांच के लिए एसओजी की टीम दिल्ली पहुंची। राजस्थान में विधायक खरीदने के आरोप में कारोबारी संजय जैन गिरफ्तार किए गए। जयपुर में विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में उदयपुर के अशोक सिंह की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। विधायकों की खरीद के आरोप से नाराज बीजेपी ने रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ केस दर्ज करवाया। बिहार के छपरा में बाढ़ का पानी कई गांवों में जा घुसा। यूपी के प्रतापगढ़ में कुछ लोगों ने एक महिला की बेरहमी से पिटाई कर दी। राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से असम में बाढ़ प्रभावितों की मदद की अपील की। यूपी के कुशीनगर में शौचालय नहीं होने पर 16 महिलाओं ने घर छोड़ा। देहरादून में लॉकडाउन के बीच भी लोग घरों से बाहर निकलते दिखाई दिए। पटना गेम्स में वेतन नहीं मिलने पर स्वास्थ्यकर्मी और सफाईकर्मी हड़ताल पर चले गए। आगरा में लॉकडाउन में रोक के बावजूद आईएसबीटी की बसें चलाई गईं। पटना में रेलवे ट्रैक पर आई कार को ट्रेन ने टक्कर मारी जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान में बीजेपी विधायक ने अपनी ही पार्टी पर सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाया। यूपी के पीलीभीत में टिड्डियों को भगाने के लिए ड्रोन से केमिकल का छिड़काव किया गया। राजस्थान के जैसलमेर में पेट्रोल पंप के पास बाइक में आग लग गई। कोरोना के 14 मरीज मिलने के बाद लखनऊ नगर निगम को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया। राजस्थान में 4 कारोबारियों को आयकर विभाग ने नोटिस भेजा। बिहार के दरभंगा में बाढ़ से हालात बदतर हुए। यूपी के मिर्जापुर में खदान में बनाए गए गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत।
यूपी के झांसी में कुछ लोगों के बीच पुलिस के सामने ही जमकर मारपीट हुई। हरियाणा के पानीपत में एक महिला और उसकी बेटी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। यूपी के एटा में बिना मास्क घूमने पर पुलिस ने उठक बैठक लगाई। एमपी के उज्जैन में दूसरे राज्यों से आए लोगों को महाकाल में दर्शन करने पर रोक लगी। छत्तीसगढ़ के कोरबा में पेड़ काटने पर वनरक्षक ने अपने अधिकारी को जमकर फटकार लगाई। गाजियाबाद में पुलिस लॉकडाउन के दौरान ड्रोन कैमरों से निगरानी कर रही है। बंगाल के उत्तर 24 परगना में प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। यूपी के मऊ में मुख्तार अंसारी के करीबी बदमाश पारस सोनकर की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना टेस्ट की संख्या दोगुनी करने का फैसला किया है। इंदौर में क्राइम ब्रांच ने बैंक से धोखाधड़ी के आरोप में दो इंजीनियरों को गिरफ्तार किया। एमपी के मड़वास में दो गुटों में हुई झड़प के दौरान चार लोग जख्मी हो गए। रोहतक में 6 और लोगों पर कोरोना की वैक्सीन का परीक्षण सफल रहा। कानपुर में एसटीएफ की टीम ने विकास दुबे एनकाउंटर की घटना को रिक्रिएट किया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एलएसी के पास पाकिस्तानी घुसपैठिया गिरफ्तार किया गया। यूपी के गाजियाबाद में नहर में कार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। शिवसेना ने सामना में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस की जमकर तारीफ की। महाराष्ट्र के रायगढ़ में क्वारंटीन सेंटर में कोरोना पॉजिटिव महिला से रेप का आरोप, आरोपी भी कोरोना पॉजिटिव। असम के काजीरंगा में एक गैंडा सड़क पर आकर आराम करने लगा। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की किताब में शहीदों में भगत सिंह राजगुरु के साथ सुखदेव का नाम नहीं लिखने पर सियासत गर्मा गई। तमिलनाडु में कोर्ट ने निजी स्कूल कॉलेजों को 75% फीस मांगने की इजाजत दी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में टीएमसी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री साधन पांडे ने एक निजी लैब पर उनके परिवार की कोरोना रिपोर्ट गलत दिए जाने का आरोप लगाया। चंडीगढ़ में महिला आयोग ई कोर्ट के जरिए केस सुलझाएगी। कोरोना संकट के बीच 4 देशों में फंसे भारतीयों को चेन्नई लाया गया। महाराष्ट्र में शिवसेना ने यूजीसी के परीक्षा कराने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। शिवसेना सांसद विनायक राउत के बेटे का पुलिस को धमकी देने का वीडियो जारी। इम्फाल में पुलिस के एडीजी ने अपनी सर्विस गन से खुद को गोली मारी। एमपी के मालवा में अस्पताल में कोरोना मरीजों के डांस का वीडियो वायरल हुआ। हल्द्वानी में लॉकडाउन के दौरान बेवजह घर से निकलने पर लोगों के चालान काटे गए। गुजरात के वडोदरा में वन विभाग की टीम ने गांव में घुस आए मगरमच्छ को पकड़ लिया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अवैध हथियारों के साथ पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के अलीगढ़ में कोरोना संकट के दौरान डाकघर में बिक रहे गंगाजल की मांग काफी बढ़ गई है। यूपी के मेरठ में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के रोहतास में सरकार से मदद ना मिलने पर गांव वालों ने खुद सड़क बनवाई। दिल्ली में गहने की दुकान में लूट को अंजाम देकर 3 बदमाश फरार हो गए। मुंबई के चांदीवली में क्लिक निक्सन स्टूडियो में लगी आग को बुझा लिया गया। कोरोना की वजह से असम में एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर बुधवार से रोक लगा दी गई है। अफगानिस्तान में अगवा किए गए हिंदू और सिख समुदाय के नेता निदान सिंह सचदेवा को छुड़ा लिया गया। दुनिया भर में पहली बार 100 घंटों में कोरोना के मरीज 10 लाख के पार पहुंचे। नेपाल के पीएम ओली के राम पर दावे को साबित करने के लिए पुरातत्व विभाग खुदाई करेगा। इटली के सिसली में अचानक आई बाढ़ से तबाही मच गई। चीन के चोंगचिंग में बाढ़ ने कई इलाकों में मचाई तबाही। चीन के जियांगशी में कई इलाके बाढ़ के पानी में डूब गए। चीन की सेना से संबंध के मामले में भारत की चीनी कंपनियों पर नजर है। दुनिया के जाने माने लोगों के ट्विटर अकाउंट हैक होने के बाद भारत ने ट्विटर को नोटिस भेजा। ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी में 20 मिनट में कोरोना की जांच करने वाली तकनीक की खोज हुई।
सुशांत सिंह राजपूत केस में जेडीयू ने महाराष्ट्र सरकार से सीबीआई जांच की मांग पर दोबारा से सोचने की अपील की। सुशांत सिंह राजपूत की दोस्त रिया चक्रवर्ती को महाराष्ट्र सरकार ने सुरक्षा का भरोसा दिया। राजेश खन्ना की आज पुण्यतिथि के मौके पर ट्विंकल खन्ना ने एक पुरानी तस्वीर शेयर की। मुंबई में ऐश्वर्या राय और बेटी आराध्या को अस्पताल में भर्ती किया गया। एमपी के इंदौर में बीजेपी नेता समर्थकों की भीड़ के साथ घोड़े पर नजर आए। सुशांत सिंह खुदकुशी के मामले में पुलिस ने आदित्य चोपड़ा का बयान दर्ज किया।